नमस्कार, मैं रोहिता, एमवीटीवी के समाचार में आप सभी का स्वागत। नवी मुंबई कामोठे में तेज कार दुर्घटना में 2 की मौत जबकि 5 घायल हो गए हैं। नवी मुंबई के कामोठे में तेज आने वाली एक कार टकरा जाने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 5 अन्य घायल हो गए हैं। रविवार शाम को कामोठे सेक्टर 6 में एक व्यस्त सड़क पर एक बड़ा हादसा हुआ। इस दुर्घटना के दृश्य को सीसीटीवी द्वारा कैद किया गया है। मृतों में एक 3 साल का लड़का भी शामिल है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और घायलों में से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। स्मार्ट कार्ड से मुंबई में एक ही टिकट से मेट्रो, लोकल और बसों में यात्रा कर सकेंगे। एक आदर्श शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए एक ही टिकट से काम चला जाता है। दुनिया के कई बड़े शहरों में ऐसा होता है, लेकिन मुंबई में इंटीग्रेटेड टिकट सिस्टम की यह व्यवस्था अभी प्लानिंग स्टेज पर है। मुंबई में जल्द ही इंटीग्रेटेड टिकट सिस्टम लगने वाली है। इंटीग्रेटेड टिकट के लिए स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल होगा। इसका इस्तेमाल मुंबई मेट्रो, मुंबई लोकल और शहर में चलने वाली सार्वजनिक बसों के लिए हो सकता है। जिस साधन का इस्तेमाल करना हो वहां लगे टर्मिनल पर कार्ड पंच करके टिकट ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने मतदारों को आह्वान किया है कि वोटर लिस्ट को आधार से लिंक करें। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय चुनाव आयुक्तों को पत्र भेजकर वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने यह मांग फर्जी मतदान रोकने के लिए की है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री की केंद्रीय चुनाव आयोग से की गई यह मांग काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपने पत्र में मतदाता सूची में धांधलियां रोकने के लिए कुछ सुझाव भी चुनाव आयोग को भेजे है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि मतदाता सूची को आधार से लिंक करने पर 2-2 जगह मतदान करने वाले मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। ई सिगरेट को प्रतिबंधित करने के खिलाफ पहली कार्रवाई हो गई है। राज्य में ई सिगरेट पर प्रतिबंध के बावजूद भी मुंबई में कई जगहों पर इसकी बिक्री जारी है। ऐसे लोगों के खिलाफ फूड एंड ड्रग्स प्रशासन ने कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार इसी साल प्रतिबंधक हुए ई सिगरेट के खिलाफ यह पहली कार्रवाई है। प्रतिबंधित ई सिगरेट बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। जल्द ही बड़े लेनदेन के लिए बैंक में आधार कार्ड की केवाईसी करना जरूरी होगा। बैंक खाते में बड़ी राशि के लेनदेन के लिए आधार की केवाईसी जरूरी है। अगर आप सालाना अपने बैंक खाते में एक निश्चित राशि से ज्यादा रकम जमा करते हैं या निकलते हैं, तो जल्द ही सिर्फ पैन की जानकारी काफी नहीं है। इकोनॉमी में करेंसी के ज्यादा प्रभाव पर नकेल कसने के लिए एक निश्चित मूल्य से ज्यादा राशि के लेनदेन पर सरकार आधार को प्रमाणित कराना जरूरी बनाने की योजना बना रही है। आप बायोमेट्रिक टूल या वन टाइम पासवर्ड का इस्तेमाल करके केवाईसी करवा सकते हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। नितिन गडकरी ने कहा है कि हाईवे के लिए एलआईसी 1.25 लाख करोड़ का कर्ज देगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि राजमार्गों के विकास के लिए साल 2024 तक भारतीय जीवन बीमा निगम ने सरकार को 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देने का प्रस्ताव रखा है। गडकरी ने कहा कि पूंजी बाजार से धन जुटाने के अलावा सरकार आम लोगों से भी पैसा लेकर उन्हें अच्छा ब्याज देगी। यह ब्याज फिक्स डिपॉजिट यानी FD पर मिलने वाले ब्याजों से ज्यादा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। आज के समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।